class 2 students, we have done our reading and difficult words. Now we are going to translate and understand the whole story. The nail. In a small town, एक छोटे से इलाके में long ago, बहुत अर्सा पहले there lived a tradesman. वहाँ पे एक ताजिर रहता था. ताजिर किसे कहते हैं, यानी जो गुड्स यानी चीज़ें इधर से उधर बेचता है और ख़रीदता है उसको ट्रेड्समैन कहते हैं, यानी ताजिर. अब मैं इसे ट्रेड्समैन ही कहूँगी. ऑन द फर्स्ट मंडे ऑफ ईच मंथ, हर महीने के पहले मंडे को, पहले पीर वाले दिन, ही सैडल्ड हिज हॉर्स, वो अपने हॉर्स को सैडल करता था. यानी सैडल मतलब छोटी सी उस पर सीट लगा देता था, लेदर सीट, उसको सैडल कहते हैं. ही प्लेस्ड अ सैडल बैग ओवर द हॉर्सेस बैक. हॉर्सेस बैक यानी जो हॉर्स का पीछे का हिस्सा है, पीठ होती है, वहाँ पे वो एक सैडल बैग भी लगाता था. टू दिस एंड टू द सैडल, इसमें और सैडल में वो क्या करता था, ही टाइड अदर बैग्स, वो और भी बैग्स बांध दिया करता था. द ट्रेड्समैन बॉट मैनी थिंग्स, ट्रेड्समैन जो है वो बहुत सारी चीज़ें ख़रीदता था. दे वर स्मॉल, वो छोटी होती थी, बट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती थी, बहुत ख़ास चीज़ें होती थी, डैट पीपल नीडेड, जिसकी लोगों को ज़रूरत होती थी, जैसे कि नाइव्स यानी छुरी, लैडल्स यानी जो लॉन्ग हैंडल वाला स्पून होता है उसको लैडल कहते हैं, लैडल्स, स्ट्रिंग्स, डोरी होती है, और मैचेस यानी जो मैचेस हमारे मैचेस बॉक्स घर में होते हैं वो चीज़ें थी, सोप, साबुन था, सॉल्ट, नमक था, कैंडल वैक्स यानी मोमबत्ती थी, यानी जिन चीज़ों की हमारे घर में आम ज़रूरत होती है वो तमाम चीज़ें थी. इसी तरह विक्स यानी दिए में लगाने के लिए जो बत्ती होती है उसको विक्स कहते हैं. स्मॉल टॉवल्स, छोटे छोटे तौलिए, रिबन्स, बॉल्स एंड इवन सम कलरफुल मार्बल्स, और कलरफुल मार्बल्स भी उसमें मौजूद थे. यानी वो चीज़ें जो कि आदमी भी इस्तेमाल करते हैं, औरतें भी इस्तेमाल करती हैं और छोटे बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, सारी चीज़ें वो ख़रीदता था. द ट्रेड्समैन फिल्ड हिज बैग, ट्रेड्समैन जो था वो अपने बैग को फिल कर लेता था. देन ही रोड, रोड राइड की सेकेंड फॉर्म में यानी वो सवारी करता था. देन ही रोड फ्रॉम विलेज टू विलेज, विलेज कहते हैं गाँव को, यानी एक गाँव से, विलेज टू विलेज का मतलब हुआ एक गाँव से दूसरे गाँव पर घोड़े पर सवार होकर जाता था. रिंगिंग अ बेल, और एक घंटी बजाता रहता था. क्लास नेक्स्ट पेज पर आइए. फर्स्ट द चिल्ड्रन केम रनिंग, पहले जो है वो बच्चे दौड़ते हुए आते हैं. देन द वुमेन, फिर औरतें. देन द मैन, और फिर मर्द. द चिल्ड्रन वॉन्टेड स्वीट्स और टॉयज, बच्चों को स्वीट्स और टॉयज लेना चाहते हैं उस ट्रेड्समैन से. द वुमेन वॉन्टेड ट्रिंकेट्स, ट्रिंकेट्स कहते हैं छोटे छोटे जो ज्वेलरी होती है उसको ट्रिंकेट्स कहते हैं. द वुमेन वॉन्टेड ट्रिंकेट्स और बैंगल्स, मैंने अभी बताया ना कि ये विलेज टू विलेज जाता है और चीज़ें बेचने के लिए, तो लोग जो है वहाँ आहिस्ता आहिस्ता जमा हो जाते हैं अपने पसंदीदा चीज़ें खरीदने के लिए. इसी तरह वुमेन जो है वो ज्वेलरी और बैंगल्स खरीदने आ जाती हैं, बैंगल्स यानी चूड़ियाँ. द मैन केम टू चैट, आदमी जो हैं वो उनसे बातें करने के लिए आते हैं. दे लाइक टू नो वॉट वॉज हैपनिंग इन फार ऑफ प्लेसेस, वो ये जानना चाहते हैं, वो आदमी ये जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है दो जहाँ से वो, जिन जगह, जिस जगह से वो आया है वहाँ पे क्या काम, क्या होता है, कैसी जगह है वो. आफ्टर सेलिंग समथिंग, कुछ चीज़ें बेचने के बाद, द ट्रेड्समैन माउंटेड हिज हॉर्स, ट्रेड्समैन जो है अपने घोड़े पर सवार हो जाता था. एंड रोड ऑन, और वहाँ से सवारी करता हुआ चला जाता था. एवरी डे, हर रोज, ही रोड, वो सवारी करता था. ही सोल्ड थिंग्स, चीज़ें बेचता था. ही फिल्ड हिज पर्स विथ सिल्वर एंड गोल्ड, और वो अपना पर्स जो है यानी जो उसका बैग था उसमें वो सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड तो आप समझते होंगे, सिल्वर यानी चांदी और गोल्ड यानी सोना, सोना चांदी से अपना बैग भर के और वो वापस चला जाता था. क्लास नेक्स्ट पेज पर आइए.
When his saddle bag was full of coins, जब उसका बैग जो है वो कॉइन से सिक्कों से पूरा भर जाता था, he went home, वो घर वापस आ जाता था. Once, एक दफा, at the end of the month, महीने के आखिर में, the tradesman was on his way home, the tradesman was on his way, यानी रास्ते में था, home, यानी अपने घर के रास्ते में था. It was noon, ये दोपहर का वक्त था. He made a halt. उसने एक हॉल बनाया. हॉल यानी छोटी सी जगह या छोटा सा रूम या झोपड़ी सा उसने बना लिया. एट अ स्मॉल टाउन यानी जिस जगह वो बेचने गया था छोटे से इलाके में, वहाँ पे उसने हॉल बना लिया. टू हैव लंच, किस लिए? ताकि वो लंच कर सके. नियर बाय, करीब ही, देयर वॉज अ स्टेबल, करीब ही एक स्टेबल था. स्टेबल कहते हैं यानी जहाँ पे हॉर्स की देखभाल की जाती है, उस जगह को स्टेबल कहते हैं. यंग स्टेबल लॉर्ड, स्टेबल लॉर्ड यानी जो 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 शख्स वहाँ पे स्टेबल में हॉर्स घोड़ों की रखवाली करता है उसको स्टेबल लॉर्ड कहते हैं. यंग स्टेबल लॉर्ड यानी यंग की बात, यंग कह रहे हैं तो यानी कि एक बच्चा था, एक बॉय था. वॉज फैचिंग वाटर, फैचिंग वाटर यानी कि ले पानी लेकर आना, वो पानी ला रहा था. वॉज फैचिंग वाटर यानी वो पानी ला रहा था. फॉर द हॉर्सेस, किसके लिए? हॉर्सेस के लिए. देयर, देयर यानी वहाँ, वहाँ पे वो हॉर्सेस के लिए पानी लेकर आ रहा था. हे बॉय कॉल द ट्रेड्समैन, अब ट्रेड्समैन जो है उसे कॉल कर रहा है, बुला रहा है. हे बॉय लुक आफ्टर माय हॉर्स, मेरे हॉर्स का ख्याल रखो. गिव इट सम वाटर, इसे थोड़ा पानी पिलाओ, पानी दे दो. एंड हे, और चारा दे दो. एंड डोंट ओपन द सैडल बैग, लेकिन मेरा सैडल बैग, और मेरा सैडल बैग नहीं खोलना. द बॉय नॉडेड, जो बॉय है वो सर झुका के उसका हाँ का जवाब दे देता है. एंड लेड द हॉर्स अवे, और घोड़े को ले जाता है. आफ्टर हिज लंच, जब वो लंच कर चुका होता है, द ट्रेड्समैन वेंट टू द स्टेबल, तो वो ट्रेड्समैन स्टेबल के पास जाता है यानी स्टेबल में जाता है. एक्सक्यूज मी सर, सेड द बॉय, तो वो जो स्टेबल लैड होता है वो उसे आवाज़ देता है, कह पूछता है. एक्सक्यूज मी बोलता है, योर हॉर्स इज मिसिंग अ नेल, यानी आपके हॉर्स का एक नाखून टूट रहा है. इन द शू ऑन द लेफ्ट हाइंड फुट, यानी पीछे का जो उसका पैर है उसमें जो शू है, यानी पैर, आपने देखा होगा जो खुर लगा हुआ होता है ना, आपने काम में भी देखा होगा, उसमें नेल्स होते हैं, तो वो जो उस शू है उसका नेल मिस कर रहा है यानी वो टूट रहा है. आई कैन फिक्स इट इफ़ यू लाइक, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ अगर आप चाहें. अभी कौन बोल रहा है? ये स्टेबल लेट कह रहा है, किससे? ट्रेडमैन से. नो नो रिप्लाइड द ट्रेड्समैन, लेकिन ट्रेड्समैन को उसको इसकी फिक्र नहीं थी, तो वो जवाब दे देता है कि नहीं नहीं तुम उसे ठीक नहीं करो. एज लॉन्ग एज अ स्टेबल बैग, सॉरी सैडल बैग, एज लॉन्ग एज द सैडल बैग इज नॉट मिसिंग आई एम हैप्पी, जब तक कि सैडल बैग नहीं खराब हो रहा या खो रहा आई, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ. क्लास नेक्स्ट पेज पर आइए. इट इज नॉट सेफ, ये खतरे से खाली नहीं होगा. ऑन द रोड एट नाइट, यानी अंधेरे में इतने रात को रोड पे जाना है खतरे से खाली नहीं होगा. आई मस्ट गेट होम, मुझे लाजमी घर पहुंचना चाहिए. द शू विल बी ऑल राइट, यानी शू जो है वो ठीक हो जाएगा. फॉर 5 or 6 hours, 5-6 घंटे में शू ठीक हो जाएगा. वो उस बात को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, वो बोल रहा है कि वो खुद ही ठीक हो जाएगा. ही गेव द बॉय अ कॉइन, वो उस बच्चे को स्टेबल लेट को जो है एक कॉइन दे देता है. माउंटेड द हॉर्स, हॉर्स पर चढ़ जाता है. एंड पिक अप द रेंस, रेंस अच्छा, और वो रेंस यानी जो घोड़े को कंट्रोल करने के लिए जो रस्सी होती है, रस्सी नुमा जो चीज़ होती है, लगाम जो होती है, उसको वो खींच लेता है. ही क्लिक्ड हिज टंग, अच्छा वो अपने टंग से आवाज़ निकाल रहा है इस तरीके से. एंड द हॉर्स मूव्ड फॉरवर्ड, और घोड़ा जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है. लेटर द आफ्टरनून, अच्छा दोपहर के बाद, द ट्रेड्समैन अराइव्ड एट अनदर टाउन, वो दोबारा एक इलाके में पहुंच जाता है. ही फाउंड अ प्लेस टू रेस्ट, वहाँ उसे एक जगह मिल जाती है आराम करने के लिए. एंड हैव सम फूड, और खाना भी मिल जाता है. ही ऑल्सो फाउंड अ स्टेबल, उसे वहाँ पे दोबारा एक स्टेबल भी मिलता है. आफ्टर हिज रेस्ट, रेस्ट के बाद, द ट्रेड्समैन वेंट टू फैच हिज हॉर्स,
वो ट्राइड्समैन जो है वो पहले की तरह अपने हॉर्स को लेने जाता है। देयर इज अ नेल मिसिंग इन वन शू, द बॉय टोल्ड द ट्रेड्समैन। अब वहाँ का जो स्टेबल लैड था वो उससे ट्रेड्समैन को कह रहा है कि उसके शू में एक नेल जो है वो टूट रहा है। आई कैन हैव इट फिक्स्ड, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। नो नो, रिप्लाइड द ट्रेड्समैन। अब ट्रेड्समैन जो है उसे भी मना कर देता है कि नहीं नहीं इसे ठीक नहीं करो। इट विल लास्ट फॉर एन आवर और टू, बस ये एक दो घंटे की बात है फिर ये इट विल लास्ट फॉर एन आवर और टू, एक दो घंटे की बात है। आई एम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूँ। इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। द ट्रेड्समैन रोड ऑफ, और वो सवारी करता हुआ चला जाता है। आफ्टर एन आवर, एक घंटे बाद, द हॉर्स स्लोड डाउन, जो हॉर्स है वो आहिस्ता चलना शुरू हो जाता है। द ट्रेड्समैन ट्राई टू मेक इट गो फास्टर, वो कोशिश कर रहा होता है कि वो उसे और तेजी से चलाए। इन द मिडल ऑफ अ फॉरेस्ट, लेकिन वो चल नहीं पा रहा होता है। इन द मिडल ऑफ अ फॉरेस्ट, और जंगल के बीचों बीच, द हॉर्स बिगेन टू लिम्प, जो हॉर्स है वो लंगड़ाना शुरू कर देता है। क्लास टू नेक्स्ट पेज पर आइए। देन इट स्टम्बल्ड, देन का मतलब होता है फिर। इट किसके लिए यूज हो रहा है? हॉर्स के लिए। देन इट स्टम्बल्ड, स्टम्बल मतलब ठोकर खाना। देन इट स्टम्बल्ड, फिर जो है वो हॉर्स जो है वो ठोकर खाता है। द ट्रेड्समैन क्लिक्ड हिज टंग, फिर से वो अपने मुंह से आवाज निकालता है, क्लिक्ड करता है। एंड डग हिज हील इनटू द हॉर्सेस साइड, और हॉर्स के दोनों तरफ जो है अपने पैर जो है हील्स जो है वो हील्स पैरों को कहते हैं ना, पैरों के जो नीचे तलवा होता है उसे डक करने की कोशिश करता है, यानी उसे संभालने की कोशिश कर रहा होता है हॉर्स को। लेकिन द हॉर्स स्टम्बल्ड ऑन, लेकिन वो ठोकर खाता ही जाता है। देन इट फेल, और फिर गिर जाता है। एंड ब्रोक इट्स लेग, और वो अपनी टांग तोड़ बैठता है, टांग टूट जाती है उसकी। द ट्रेड्समैन लेफ्ट द हॉर्स, फिर ट्रेड्समैन जो है उस हॉर्स को छोड़ देता है। He put the heavy saddle bag of coins, यानी वो जो heavy saddle bag था जिसमें coins भरे हुए थे वो उसे उठा लेता है on his shoulder, अपने कंधों पे, and went on, और वहाँ से चलना शुरू करता है। Now it was so dark, अब जो है बहुत अंधेरा हो चुका होता है। He could not see, वो देख भी नहीं पा रहा होता। Soon he heard some men close by, फिर उसे महसूस होता है कि कुछ आदमियों की आवाज़ आ रही है, लाफिंग एंड टॉकिंग, जो कि हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं। ही वॉज फ्राइटेंड, वो बहुत डर जाता है। द साउंड्स गॉट लाउडर, आवाज़ें तेज़ होती जाती हैं। द ट्रेड्समैन रैन, ट्रेड्समैन जो है वो दौड़ने लगता है, भागने लगता है। बट इन द डार्क ही ट्रिप्ड एंड फेल, फिर अंधेरे में क्या होता है, वो लड़खड़ाता है और गिर जाता है। द सैडल बैग फ्लू इन टू अ डिच, और जो सैडल बैग है वो उड़ता हुआ एक खाई में चला जाता है। इट बर्स्ट ओपन, और वहाँ पे गिरते ही वो फट के खुल जाता है। एंड द कॉइंस वेंट एवरीवेयर, और हर जगह कॉइंस बिखर जाते हैं। द सैडल बैग पिक्ड हिमसेल्फ अप, फिर द ट्रेड्समैन पिक्ड हिमसेल्फ अप, अब ट्रेड्समैन जो है वो अपने आप को उठाता है क्वाइटली, खामोशी से अपने आप को उठाता है। एंड रैन, और तेज भागने लगता है। एट लास्ट, आखिरकार, ही फाउंड द रोड, उसे रोड मिल जाता है। सम टाइम आफ्टर मिड नाइट, कुछ वक्त आधी रात के बाद, ही गॉट होम, वो घर पहुंच जाता है, उसे घर मिल जाता है। ही बैंगड ऑन द डोर, वो जोर जोर से डोर बजाने लगता है, अपना दरवाज़ा बजाने लगता है। एंड हिज वाइफ लेट हिम इन, और फिर उसकी वाइफ जो है उसे कान में आने देती हैं। क्लास टू लास्ट पेज पर आइए। He told his wife the whole story. वो अपनी वाइफ को तमाम माजरा बताता है, तमाम स्टोरी सुनाता है। His wife just shook her head. उसकी वाइफ जो है सिर्फ अपना सर हिलाने लगती हैं। Dear me, said his wife. उसकी वाइफ कह रही है, Dear me, यानी कि मेरे अजीज़, यानी जिससे आप मोहब्बत करते हैं, या जो आपके दिल के करीब होता है, उसके लिए dear me का वर्ड यूज़ करते हैं। You bought many things. तुमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं, अभी वाइफ कह रही हैं। यू बॉट मैनी थिंग्स, तुमने बहुत सारी चीज़ें खरीदी। यू वर्क फॉर अ मंथ, तुमने पूरे एक महीने तक काम किया। यू सोल्ड मैनी थिंग्स, फिर तुमने बहुत सारी चीज़ें बेची। यू मेड लॉट्स ऑफ मनी, तुमने बहुत पैसे कमाए। एंड नाउ इट इज़ ऑल गॉन, और अब जो है वो सब कुछ ख़त्म हो चुका। सो इज़ योर हॉर्स, और तुम्हारा घोड़ा भी। ऑल दिस फॉर वॉन्ट ऑफ अ नेल, और ये सब कुछ एक नेल की वजह से हुआ है।